दोस्तों स्वागत है आप सबका इंडिया सरमरन फैंटेसी क्रिकेट ग्रुप यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज आईपीएल का 45वां मैच कोलकाता और पंजाब के बीच में खेला जाएगा, तो हम यहां पर इस वीडियो में इस मैच के बारे में बात करने वाले हैं कि जब दोनों ही टीमें इस मैच को खेलने के लिए मैदान में उतरेंगी तो आज हमारी फैंटेसी की टीम में किस किस प्लेयर को होने चाहिए जिससे कि पिछले मैचों की तरह इस मैच में भी हम अच्छा खासा अमाउंट विन कर सके, क्लीन स्वीप कर सके। जो लोग टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं उनको पता है कल के मैच में लगभग हमारी पूरी एफसीजी फैमिली की विनिंग्स 2 करोड़ के आसपास रही हैं, 2 करोड़, और ये बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। हम लोग रोजाना 4 से 5 करोड़ तक विन करते हैं, जिसके प्रूफ मैं आपको रोजाना टेलीग्राम पर देता हूं। तो आज अगर आपने इस मैच में विन करना है, इस मैच में आपने क्लीन स्वीप करना है, तो आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो 20-22 मिनट का वीडियो है, इसको पूरा देख लेना और आसानी के साथ आज के मैच में फिर से विन कर लेना। ये मैच जैकपॉट है क्योंकि ये मैच दुबई में है और दुबई में जब मैच होता है तो मजा आता है खेलने में। बस जरूरत है आपको पूरा वीडियो देखने की और उसके बाद फिर क्लीन स्वीप। और गाइस इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मेरी तरफ से उन भाइयों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने इस वीडियो को सबसे पहले लाइक और कमेंट करके 30,000 रुपए फ्री विन कर लिए। मतलब कुछ भी नहीं किया, बस आए सबसे पहले वीडियो को लाइक किया, कमेंट किया और 30,000 रुपए जीत लिए। तो अगर आप आज लेट हो गए हो या फिर आप पहली बार इस YouTube चैनल पर आए हो तो परेशान मत होइए, आप मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले लाइक और कमेंट करके 30,000 रुपए जीत सकते हो। मैं रोजाना हर मैच के लिए मॉर्निंग में 8:15 पर वीडियो अपलोड करता हूं। आप मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले लाइक करिए, कमेंट करिए और 30,000 रुपए जीत लीजिए। अब इसका सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूं, आप कैसे सबसे पहले लाइक और कमेंट करोगे। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको दबा दो, साथ में बेल आइकन दबा दो। अब सब्सक्राइब और बेल आइकन से फायदा ये होगा कि जब भी मैं आगे वीडियोस अपलोड करूंगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा कि भाई वीडियो अपलोड हो चुका है। आप सबसे पहले आएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और 30,000 रुपए जीत लेंगे। एकदम सिंपल है, तो उम्मीद करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा और नहीं किया तो कर दो और अपने फैमिली मेंबर्स यार दोस्तों को भी करवा दो ताकि आप नहीं तो कम से कम वो जीत सके। ठीक है, तो गाइस बात कर लेते हैं मैच के बारे में। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जो हम लोग रोजाना 2 करोड़ 3 करोड़ की विनिंग्स कर रहे हैं वो टेलीग्राम की टीम से कर रहे हैं। यहां पर मैं आपको एक एक चीज डीपली बताऊंगा कि कौन सा प्लेयर परफॉर्म करने वाला है, कौन सा नहीं करने वाला है, किस प्लेयर को लेना है, किसको लेना है। लेकिन जब टॉस होगा उसके बाद पिच रिपोर्ट आएगी और टॉस की न्यूज आएगी, उसके बाद जो हम फाइनल टीम बनाते हैं वो मैं सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पर देता हूं, जिसके साथ हम लोग रोजाना 2-3 करोड़ रुपए विन कर लेते हैं पूरी फैमिली। तो अगर आपको मेरी टेलीग्राम की टीम चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना जरूरी है। अब टेलीग्राम ज्वाइन करने का सिंपल तरीका आप सब लोगों को पता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद लिंक पर क्लिक करेंगे तो सीधा सीधा टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे। तो वहां पर फैंटेसी क्रिकेट गुरु टेलीग्राम चैनल है, 5,60,000 लोग पहले ज्वाइन हो चुके हैं जो रोजाना विन कर रहे हैं। आप भी जुड़ जाइए, आप भी विन कर लीजिए। तो पूरा वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करना और ज्वाइन कर लेना। अगर बाई चांस लिंक से ज्वाइन ना हो पाए तो आप टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाना, वहां पर सर्च करना @FCGOfficial, आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, ये काम आपने जरूर करना है। बात कर लेते हैं मैच के बारे में। तो गाइस इससे पहले कि हम आगे बढ़े, भाई आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं, आज वीडियो पे कैसे भी करके आप सब लोगों ने, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो सबने एक एक लाइक देना है, किसी और को ऊपर नहीं छोड़ना है कि भाई मैं नहीं कर रहा दूसरा आगे कर देगा। आपने हर एक बंदे ने एक एक लाइक करना है ताकि आज 50,000 लाइक हो सके। तो उम्मीद करता हूं आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं किया तो कर दो यार, एक सेकंड नहीं लगता। और उसके बाद फिर जो आपका प्यार मुझे मिलता है उसके बदले में मैं आपको जो कुछ देता हूं वो तो आप छोड़ ही दो। अब बात कर लेते हैं पॉइंट टेबल के बारे में। पॉइंट टेबल में केकेआर की टीम काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और 6 नंबर पर। अभी पंजाब की टीम इस टाइम बहुत ही खराब परफॉर्मेंस कर रही है, 6 नंबर पर है। ये एक मैच जीतती है, 2 हारती है, तो इसकी वजह से ये पॉइंट टेबल में अच्छा नहीं कर पा रही है। अब बात करें ग्राउंड की तो दुबई का ग्राउंड है, यहाँ का वेदर लगभग एकदम क्लियर होगा। और पिच की बात करूँ तो ये सबसे डिसेंट पिच है, अबू धाबी शारजा और दुबई में सबसे डिसेंट पिच है। यहाँ पर लगभग 150 का स्कोर तो कम से कम बनता ही बनता है और उसमें पेसर्स को थोड़े से ज्यादा विकेट मिल जाते हैं, स्पिनर्स को कम विकेट मिलते हैं। ठीक है, अब आने वाले मैचेस यहाँ पर जो खेले गए उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले भाई आपको बता दूं, माय 11 सर्कल का 5 करोड़ रुपए का लीडर बोर्ड कल खत्म हुआ है। अब इनका दूसरा लीडर बोर्ड स्टार्ट हुआ है, दूसरा। अब वो कितने का है आप जाकर के माइल सर्कल पर देख लीजिएगा, वो भी एक सरप्राइज पैकेज आपके लिए। फिलहाल जिस भाई ने माइल सर्कल ऐप को इंस्टॉल नहीं किया, आप इस वीडियो को देखने के बाद इंस्टॉल कर लीजिएगा, लिंक कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में है। आप मेरे लिंक से अगर साइन अप करते हो तो आपको 1500 का बोनस प्लस में 20% एक्स्ट्रा कैश बोनस पहले डिपोजिट पे, और VVS लक्ष्मण जैसे प्लेयर्स को हराने पर 5 गुना कैश, और साथ ही साथ जो अब लीडर बोर्ड आज स्टार्ट हो रहा है अगर आप उसमें टॉप रैंक पे आ जाते हो तो आपको करोड़ों मिलेंगे।
पिछले लीडर बोर्ड में 5 करोड़ मिले थे, इस लीडर बोर्ड में कितने मिलेंगे आप जाकर देख लीजिए एप्लीकेशन पे। करोड़ों है इतने मैं आपको बता रहा हूं, बाकी कितना है एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको जाकर देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं हम यहां पर जो रिसेंट के मैचेस इस ग्राउंड पर खेले गए हैं। गाइस पिछला मैच खेला गया आरआर और आरसीबी के बीच में, जिसमें आपको बोल रहा हूं यहां का जो स्कोर है वो लगभग 160 के आसपास बन रहा है। पिछले मैच में भी 149 बनाए थे आरआर की टीम ने और आरसीबी की टीम ये मैच 7 विकेट से विन कर गई थी। इसमें पहले इनिंग में पेसर्स को 5 और स्पिनर्स को 4 विकेट मिले थे, 4 विकेट 2 शहबाज को 2 चहल को, और उसके बाद सेकंड इनिंग में पेसर्स को 2 विकेट मिले, स्पिनर्स को 0 विकेट मिला। पहले इनिंग में पैनिक एक जो बैट्समैन पे आ जाता है उसकी वजह से विकेट दे दिए थे स्पिनर्स को, अदरवाइज यहाँ पर हेल्प ज्यादा पेसर्स को ही होती है। अब उसके पहले मैच खेला गया आरआर और एसआरएच के बीच में, इस मैच को भी एसआरएच की टीम ने 7 विकेट से जीता। इस मैच में आप देखोगे वही एवरेज टोटल बना है और यहाँ पर आप देखोगे 6 विकेट पेसर और सिर्फ 2 विकेट स्पिनर। उसके पहले मैच खेला गया आरसीबी और मुंबई के बीच में, ये मैच भी लगभग वही एवरेज स्कोर वाला बना 165, और इस मैच में फिर से देखोगे पेसर्स को 10 विकेट और स्पिनर्स को 6 विकेट। स्पिनर्स को जो विकेट मिले हैं वो सेकंड इनिंग में मिले हैं, तो क्या सबक मिलता है कि सेकंड इनिंग में ज्यादा चांस होते हैं स्पिनर्स को विकेट मिलने के। आप यहां पर भी देख लो जो पेसर है, पेसर्स को टोटल 29 विकेट मिले हैं और स्पिनर्स को 15 विकेट मिले हैं। पेसर्स को पहले इनिंग में ज्यादा विकेट मिलते हैं, 19 विकेट मिले हैं पहले इनिंग में, सेकंड इनिंग में 10 विकेट मिले हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखना कि जो टीम पहले बॉलिंग कराई है उसके डेथ ओवर के बॉलर हमने छोड़ने नहीं है। अब कल के मैच में भी आपने देखा होगा डीजे ब्रोवो हेजलवुड डेथ ओवर्स के बॉलर चेन्नई के लिए आधे विकेट ले गए। तो हमेशा मैं आपको बोलता हूं डेथ ओवर का बॉलर आपको सबसे सेफ कैप्टन होता है स्मॉल लीग की टीम में, अगर आप रिस्क ले सकते हो डेथ ओवर के बॉलर्स पे। अब बात करें हेड टू हेड ओवरऑल मैचेस की, दोनों टीम्स के बीच में 28 मैच खेले गए, केकेआर की टीम ने 19 जीते और पंजाब की टीम सिर्फ 9 मैच जीत पाई है। और आखिरी के जो 5 मैच है आप देख सकते हो केकेआर की टीम काफी आ गए, सिर्फ 1 मैच हारी है और 4 मैच केकेआर की टीम ने विन किए हैं। अब इस ग्राउंड पर देखें तो केकेआर की टीम 4 में से 2 जीती है, 2 हारी है। पंजाब की टीम 9 में से 5 जीती है, 4 हार रही है। तो लगभग दोनों ही टीम का परफॉर्मेंस बराबर है इस ग्राउंड पर, और हेड टू हेड में पहली बार खेलेंगे इस ग्राउंड पर। अब आखिरी के जो हेड टू हेड मैचेस हैं लास्ट 4 मैचेस, इनमें हम देखेंगे केकेआर ने जीता, पंजाब ने जीता, केकेआर ने जीता, केकेआर ने जीता, तो 3 मैच केकेआर ने जीते हैं, 1 मैच सिर्फ पंजाब की टीम ने जीता है। अब यहां पर इन मैचेस में परफॉर्मेंस कौन कौन से प्लेयर हैं जो रेगुलर करते हैं, सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है हेड टू हेड में शुभमन गिल का, जो कि उतने ज्यादा अच्छे फॉर्म में नहीं है जितने दूसरे प्लेयर हैं। तो शुभमन गिल काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं जब हेड टू हेड के मैच होते हैं। गिल ने 57 इस मैच बनाए, 57 इसमें बनाए और 65 इस मैच में बनाए, तो तीनों मैचों में शुभमन गिल ने परफॉर्मेंस किया है। और इनके बाद जो नंबर आता है वो लोकेश राहुल बड़ी इनिंग नहीं खेल पा रहे, बट 19 रन यहाँ पे बनाए, 28 रन यहाँ पे बनाए, 74 रन यहाँ पे बनाए, 3 मैचों में आप देख रहे हो लोकेश राहुल का नाम यहाँ पर आ जाता है। और उसके बाद अग्रवाल को आप देखोगे यहाँ पर 31 बना रहे हैं, और अग्रवाल यहाँ पर बना रहे हैं 56, यहाँ पर बना रहे हैं 36। तो ये 3 प्लेयर हैं जो बैटिंग में ठीक ठाक रेगुलर परफॉर्मेंस कर लेते हैं हेड टू हेड में। ठीक है, ये बात आप याद रखना जब आप टीम बना रहे हो तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, क्योंकि इनके ज्यादा चांस होंगे आज के मैच में परफॉर्म करने के। उसके बाद बॉलिंग में मोहम्मद शमी सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं बॉलिंग में, 1 विकेट यहाँ पर है, और उसके अलावा 3 विकेट यहाँ पर है और 1 विकेट यहाँ पर है और 1 विकेट यहाँ पर है, यानी कि 4 मैचों में रेगुलर परफॉर्मेंस दिया है शमी ने, और इस वक्त भी अच्छी फॉर्म में है। तो बॉलिंग में शमी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद आपके वरुण चक्रवर्ती और प्रशांत कृष्णा, प्रशांत भले पिछले मैच में ना खेले हो बट मुझे उम्मीद है इस मैच में वो वापसी करेंगे, क्योंकि पंजाब के अगेंस्ट अच्छा खेलते हैं प्रशांत कृष्णा। संदीप वॉरियर की जगह पर प्रशांत कृष्णा को वापस लाया जाएगा। 3 विकेट इस मैच में लिए प्रशांत ने और 3 विकेट इस मैच में लिए, तो 1 मैच छोड़ के 1 मैच में प्रशांत कृष्णा 3 विकेट ले लेते हैं। उस बाद आपके वरुण चक्रवर्ती विकेट निकाल लेते हैं। सुनील नारायण का रिकॉर्ड काफी अच्छा होता है इस टीम के अगेंस्ट, पंजाब के अगेंस्ट 2 विकेट यहाँ पर लिए सुनील नारायण ने और 2 विकेट यहाँ पर लिए सुनील नारायण ने। ठीक है, तो दोनों मैचों में सुनील नारायण ने 2-2 विकेट लिए हैं। अब आगे हम बात करेंगे यहाँ पर मैच प्रेडिक्शन के बारे में, तो मेरे हिसाब से टीम अच्छी है नो डाउट, बट किस्मत पता नहीं कहाँ से लिखवा के लेके आए प्रीति जिंटा और लोकेश राहुल, मैच तो जीत ही नहीं पाते कभी। तो मेरे हिसाब से केकेआर की टीम जिस तरह से फॉर्म में है, जिस तरह से इस सीजन में सेकंड लेग में खेल रही है, उसको देखते हुए लगता है कि केकेआर की टीम ये मैच जीतने वाली है। बाकी पंजाब की टीम कभी कभी अनप्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस कर जाती है जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लोकेश राहुल अगर बड़ा खेल गए तो फिर पंजाब शायद जीत भी सकती है, वैसे लोकेश राहुल की इनिंग्स भी काम नहीं आती पंजाब को जिताने में। अब बात करें आपके फ्री गिव अवे क्वेश्चन के बारे में, तो लोकेश राहुल के बारे में ही बात करेंगे गिव अवे में कि लोकेश राहुल आज कितने रन बनाएंगे और उनको आउट कौन करेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और आगे आएगा, अगर आप दोनों क्वेश्चंस के सही सही आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे देते हो तो आपको फ्री में 20,000 रुपीज मिल जाएंगे। फिर से सुन लो क्वेश्चन,
लोकेश राहुल आज कितने रन बनाएंगे और लोकेश राहुल को आउट कौन करेगा। अब इसके लिए कंडीशन क्या है, एक तो आपने वीडियो को लाइक करना है जो कि कर दिया होगा, नहीं किया तो अब कर दो, दूसरा चैनल सब्सक्राइब हुआ होना चाहिए, और तीसरा आपने ये हैशटैग यूज करने हैं जब आप कमेंट कर रहे हो। और इसके जो विनर्स अनाउंस होंगे वो मेरे इंस्टाग्राम पे अनाउंस होंगे @realfcg, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप विनर्स देखने के लिए इंस्टाग्राम जरूर जाकर के फॉलो कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। अब गाइस बात करें प्लेइंग 11 की, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, क्रिस गेल IPL छोड़ के चले गए, उन्होंने टीम को छोड़ दिया है, वो बाय बबल से बाहर आ गए हैं, तो उन्होंने अब IPL शायद वो कभी खेलेंगे ही नहीं। अब लास्ट मैच था पहला मैच मेरे हिसाब से, आगे IPL अब नहीं खेल पाएंगे क्रिस गेल। अब बाकी बात करें हम यहाँ पर प्लेइंग 11 की, तो केएल राहुल और मयंक अग्रवाल पिछले मैच में नहीं खेले थे, मेरे हिसाब से वो वापस आएंगे और इस मैच में खेलेंगे, ओपनिंग करेंगे, मनदीप को बाहर होना पड़ सकता है। और इसके बाद एडन मार्करम है, निकोलस पूरन है, दीपक हुड्डा है। अब यहाँ पर गेल की जगह कौन लेगा, मेरे हिसाब से फैबियन एलन एक अच्छे आपको फिनिश करके दे सकते हैं मैच को, बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, हार्ड हिटिंग है, अभी CPL में आपने देखा होगा, और जरूरत पड़ने पर अच्छी खासी स्पिन बॉलिंग करा लेते हैं, विकेट टेकिंग स्पिनर हैं, तो फैबियन एलन खेल सकते हैं या फिर ये काम कर सकते हैं, ये सीधा सीधा मनदीप को भी खिला सकते हैं, बट मनदीप के लिए जगह नहीं बचेगी। मेरे हिसाब से फैबियन एलन को खिलाना चाहिए क्योंकि यहाँ तक इनका बैटिंग सही है, अब यहाँ से आगे एक बड़े हिटर की जरूरत पड़ती है, तो वो फैबियन एलन अच्छा खासा काम कर सकते हैं। बाकी हो सकता है क्रिस जॉर्डन को खिला दे, बट मेरे हिसाब से फैबियन एलन फिट है इस टीम में। हरप्रीत बरार है, मोहम्मद शामी है, नाथन एलिस है, रवि बिश्नोई और अर्शदीप सिंह है, तो ये इनके 11 प्लेयर इस मैच में होने चाहिए। अब आपकी टीम में किस किस प्लेयर को होना है, मैं आपको यहाँ पर 2-3 प्लेयर बता देता हूँ जिन प्लेयर को आपने अपनी स्मॉल लीग की टीम में लेना है, बाकी आगे डिस्कस करूंगा। लोकेश राहुल कंपलसरी है, मयंक अग्रवाल कंपलसरी है, उसके बाद एडन मार्करम भी मेरे हिसाब से आपकी टीम में जरूर होने चाहिए। अब निकोलस पूरन का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है पिछले कुछ दिनों में, तो अगर आपको एक फिनिशर की जरूरत पड़ती है तो आप निकोलस पूरन को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ग्रैंड लीग में तो ट्राई कर लेना, स्मॉल लीग में अगर आप उधर से किसी को ड्रॉप कर रहे हो तो फिर यहाँ पर आप निकोलस पूरन को ले लेना। फैबियन एलन चांसेस कम है बॉलिंग के, अगर खेलेंगे भी तो एज ए बैट्समैन खेलेंगे, एज ए फिनिशर खेलेंगे, बॉलिंग के कम चांस हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रैंड लीग में तो ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में आपको नहीं बोलूंगा कि आप एलन को लो। मोहम्मद शमी कंपलसरी पिक है, और उसके बाद अगर ये टीम बाद में बॉलिंग कराती है यानी कि पहले बैटिंग करती है तो रवि बिश्नोई को ले लेना, और अगर पहले बॉलिंग कराए बाद में बैटिंग करें तो अर्शदीप सिंह या नैथन एलिस आपके लिए अच्छे होंगे। तो ये होगी बात पंजाब की प्लेइंग 11 की। अब हम बात कर लेते हैं आगे पंजाब के प्लेयर्स का परफॉर्मेंस। यहाँ पर आप देखोगे आपके राहुल काफी अच्छा होम करते हैं, 35 का एवरेज होता है इनका कोलकाता के अगेंस्ट, भाई अग्रवाल कुछ खास नहीं कर पाते, देखो 13 मैचों में 21 का एवरेज है, अग्रवाल से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 21 के एवरेज से किसी टीम के अगेंस्ट खेले, तो अग्रवाल का परफॉर्मेंस इस टीम के अगेंस्ट कुछ खास नहीं होता, बट अग्रवाल इस ग्राउंड पर और अभी फिलहाल रिसेंट फॉर्म में बहुत अच्छी फॉर्म में है, तो ये चीज आप भूल जाइएगा अग्रवाल के बारे में, क्योंकि अग्रवाल इस वक्त काफी अच्छी फॉर्म में है। मनदीप सिंह आप देख सकते हो, अगर खेलते वैसे तो चांसेस अग्रवाल के हैं, अगर मनदीप सिंह खेलते हैं तो इस टीम के अगेंस्ट मनदीप सिंह अच्छा खेलते हैं, 32 का एवरेज से रन बनाते हैं, लगभग राहुल के बराबर। गैल है, गैल के बारे में बात नहीं करेंगे, हुडा है, हुडा आपके 11 के बहुत ही खराब परफॉर्मेंस में कहूंगा, पूरन है 28 के एवरेज से बहुत कम मैच खेले, बहुत कम रन बनाए हैं, उसको अश्वमी 10 मैच में 9 विकेट, ज्यादा विकेट निकाले नहीं है बट रिसेंट में अच्छा कर रहे हैं। मुर्गन अश्विन 5 मैच में 4 विकेट, और आपके बिश्नोई 3 मैच में 3 विकेट, आपके जॉर्डन 5 मैच में 3 विकेट, आपके अर्शदीप सिंह 4 मैच में सिर्फ 2 विकेट। तो ये है पंजाब के प्लेयर्स का कोलकाता के अगेंस्ट परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं, डिटेल में कैसे कि रिसेंट फॉर्म क्या है प्लेयर्स का, और ये पंजाब के क्या के अगेंस्ट कैसे खेलते हैं और इस ग्राउंड पर कैसा खेलते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ी सी तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि आपने किसको लेना है, किसको ड्रॉप करना है। राहुल का परफॉर्मेंस पिछले 2 मैचों को बड़ी इनिंग में चेंज नहीं कर पाए, बड़ी इनिंग में तब्दील नहीं कर पाए, बाकी उसके पहले लगातार बड़ी इनिंग्स खेल रहे हैं, 49 रन, 51 रन, 60 रन, 61 रन, 91 रन, और इस टीम के अगेंस्ट भी अच्छा खेल रहे हैं। ये 2 इनिंग बड़ी इनिंग्स में कन्वर्ट नहीं कर पाए, उसके पहले 74 रन, ये 2 फ्लॉप, उसके बाद 66 से 8, मतलब उम्मीद है कि लोकेश राहुल लगभग 80% चांस है कि वो इस मैच में अच्छा करेंगे, लगभग 50-40 तो कम से कम बनाएंगे। उसके बाद आपके अग्रवाल का रिसेंट फॉर्म गजब का है, पिछले मैच में सिर्फ फ्लॉप ही, उसके पहले लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, और KKR के अगेंस्ट आप देखोगे पहले कभी फ्लॉप रहा होंगे बट इस वक्त ये अच्छा खेलते हैं KKR के अगेंस्ट पिछले 4-5 मैचों से, आप देखोगे 31, 56, 36, 58, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जो 21 का एवरेज है ना उसे भूल जाइए। रिसेंट में अग्रवाल का फॉर्म अच्छा है, और जो पिछले मैचेस खेले हैं 3-4 मैचेस उनमें KKR के अगेंस्ट अच्छा है, और इस ग्राउंड पर भी पिछली इनिंग में 67 बना के आ रहे हैं। तो लोकेश राहुल के बाद अग्रवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मनदीप का परफॉर्मेंस अच्छा था, सईद मुश्ताक ने ट्रॉफी में नो डाउट खेल रहे थे,
और केकेआर के अगेंस्ट भी मनदीप की आखिरी इनिंग 60 रन की थी। तो मनदीप अगर खेले तो ये चीज आप याद रखना, मनदीप अच्छा फॉर्म्स कर रहे थे और अगर खेलेंगे तो, अग्रवाल नहीं खेलते तो ओपनिंग करेंगे और अग्रवाल खेलते हैं तो फिर शायद ये बैटिंग ऑर्डर में डाउन जा सकते हैं आफ्टर आपके एडन मार्करम। तो उसके बाद हम बात करें गेल की, तो गेल तो है ही नहीं, मार्करम का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। मार्करम मेरे हिसाब से सबसे डिसेंट खेल रहे हैं इस टीम में, हर मैच में 26-27-40 रन बना जाते हैं और उम्मीद है शायद इस मैच में फिर से बॉलिंग कराएंगे, पहली बार इस टीम के अगेंस्ट खेलेंगे और इस ग्राउंड पर पिछली इनिंग में 26 नॉट आउट बनाए थे। अब पूरन का देखेंगे, पूरन कुछ खास नहीं कर पाए पिछली दो इनिंग्स में और उसके बाद हुड्डा कुछ खास नहीं कर पा रहे। पूरन एज ए फिनिशर अच्छा खेलते हैं, देखो दुबई में काफी अच्छा खेल रखा है इन्होंने, 32-32-53-24-77 में एक भी इनिंग में फ्लॉप नहीं हुई इस ग्राउंड पर। तो ये चीज़ आप याद रखना जब आप टीम बना रहे हो, तो पूरन को अगर आप फिनिशर के तौर पर लेना चाहते हो ले सकते हो। अब यहाँ पर बात करें ऑलराउंडर बॉलर्स की, तो बॉलर्स में आप देखोगे मोहम्मद शमी काफ़ी अच्छी फॉर्म में है भाई, और मोहम्मद शमी इस टीम के अगेंस्ट एक भी मैच ऐसा नहीं इसमें विकेट नहीं निकाला, और मोहम्मद शमी इस ग्राउंड पर एक भी मैच ऐसा नहीं इसमें विकेट नहीं निकाला, 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट नॉर्मल बात है इनके लिए। अब अर्शदीप सिंह कभी परफॉर्म करते हैं कभी नहीं करते हैं, और लेकिन अर्शदीप के साथ एक आप एक चीज़ देखोगे, इस ग्राउंड पर पिछली 2 इनिंग में 8 विकेट निकाल चुके हैं और पिछले 5 इनिंग में एक मैच में सिर्फ विकेट नहीं मिला, अदरवाइज इनको लगभग 12 विकेट मिल चुके हैं 5 मैचों में इस ग्राउंड पर। तो अर्शदीप सिंह का आप ये रिकॉर्ड याद रखना, ग्राउंड का बहुत काम आएगा आपके। हालांकि केकेआर के अगेंस्ट पिछले 4 मैचों में सिर्फ 2 ही विकेट निकाल पाए हैं। बिश्नोई अच्छा कर रहे हैं सेकेंड इनिंग में, और चूंकि स्पिनर्स थोड़ा सा गेम में आ जाते हैं सेकंड इनिंग में, तो आप इस बिश्नोई को ले सकते हो। बिश्नोई इस ग्राउंड पर भी 3-3 विकेट निकाल चुके हैं, तो बिश्नोई आपके काफी काम आएंगे। एलिस अभी तक अपने आप को इतना प्रूव नहीं कर पाया, पिछले मैच में जरूर विकेट मिला था, पहली बार खेलेंगे इस ग्राउंड पर, पहली बार खेलेंगे इस टीम के अगेंस्ट। हरप्रीत बहुत ही खराब खेल रहे हैं, और आपके जॉर्डन शायद खेले ना, और मुर्गन अश्विन शायद ये भी ना खेले, तो ये प्लेयर है पंजाब के। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम आगे कोलकाता की प्लेइंग 11 की। तो कोलकाता की प्लेइंग 11 के बारे में आपको बता दूं, जो आपके लकी फर्गुसन पिछले मैच में 2 ओवर बॉलिंग करा के वापस चले गए थे, उसके बाद बॉलिंग नहीं कराई, तो उनके बारे में दिनेश कार्तिक ने कहा कि कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, लकी फर्गुसन वापस आएंगे इस मैच में और खेलेंगे और डेथ ओवर में बॉलिंग कराएंगे। पिछले मैच में डेथ ओवर में नहीं कराई थी, उनकी जगह पर वेंकटेश अय्यर ने बॉलिंग कराई थी और टीम साउथी को 20 ओवर दिया गया था, बट इस मैच में शायद उम्मीद है कि आपके फर्गुसन ही डेथ में बॉलिंग कराएंगे। अंद्रेस एल के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, और अगर ये खेलते भी तो आप इन पर भरोसा नहीं कर सकते कि बॉलिंग कराएंगे नहीं कराएंगे। ये जो इंजरीज है ना, ये रसेल अपने झोला में लेके घूमते हैं, अभी इंजरी से अगर वापस आएंगे तो फिर से इंजर्ड हो जाएंगे, फिर जाएंगे फिर वापस आएंगे फिर इंजर्ड हो जाएंगे, पता नहीं कितनी इंजरीज लेके घूमते हैं भाई, वो झोला कहीं फेंक दे यार, सही सही खेल ले। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर शुभमन गिल के बारे में, भाई शुभमन गिल को आपकी टीम में ज़रूर होना चाहिए, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि इस प्लेयर का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है पंजाब के अगेंस्ट। वेंकटेश अय्यर इनके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप खुद डिसाइड कर लेना लेना नहीं लेना। राहुल त्रिपाठी भी अच्छी फॉर्म में है, ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट या मस्ट पिक बन सकते हैं। नीतीश राणा ये भी नो डाउट खेल रहे हैं, बड़ी इनिंग तो नहीं खेली अभी तक, एक ही मैच में खेली है, बाकी नो डाउट खेल रहे हैं। यान मॉर्गन अभी तक फ्लॉप है, बट यान मॉर्गन के बारे में आपको बता दूं, ये पंजाब के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा, मैं आपको आगे दिखाऊंगा इनका एवरेज पंजाब के अगेंस्ट, इनकी इनिंग्स दिखाऊंगा। दिनेश कार्तिक भी ठीक ठाक खेल लेते हैं, बट दिनेश कार्तिक और मॉर्गन पर मैं ज़्यादा भरोसा नहीं दिखाता हूं। अब यहां पर अंद्रेस रसेल या फिर आपके टीम साउथी जो भी खेलेगा आप देख लेना, और मेरे हिसाब से टीम साउथी भी खेलते हैं तो वो भी डेथ में बॉलिंग कराएंगे, रसेल खेलते तो रसेल भी डेथ में कराते हैं। सुनील नारायण का रिकॉर्ड भी गजब का होता है इस टीम के अगेंस्ट पंजाब के अगेंस्ट, आप याद रखना ये भी गजब की बॉलिंग कराते हैं, सिर्फ 20 मैच में शायद 30 विकेट ले चुके हैं और पिछले मैच में तो बैटिंग भी ठीक ठाक करी थी। लकी फर्गुसन है, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती है, प्रसिद्ध कृष्णा, आज संदीप वॉरियर की जगह पर मेरे हिसाब से प्रसिद्ध कृष्णा खेलने वाले हैं, तो ये प्लेयर है। अब आपको बता दूं, अगर ये टीम पहले बैटिंग करे बाद में बॉलिंग करे, तो आपकी टीम में सुनील नारायण होने चाहिए, वेंकटेश अय्यर होने चाहिए, और इधर से आप यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती और लकी फर्गुसन तो होनी चाहिए, चाहे पहले बैटिंग करें चाहे बाद में बैटिंग करें। ठीक है, अब इस पर डिसाइड कर लेना आपने वरुण चक्रवर्ती को लेना नहीं लेना, मेरे हिसाब से सेकंड बॉलिंग में तो आप ले सकते हो, लेकिन पहले बॉलिंग में थोड़ा सा सोच लेना लेना नहीं लेना। बाकी फिर भी जो मेरा लास्ट डिसीजन होगा, फाइनल डिसीजन होगा, मैं आपको या तो लाइव वीडियो बता दूंगा शाम को 6 बजे या फिर आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, आप ज़रूर अपनी नज़र बनाए रखिएगा। अब प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में आपको बता दूँ, अगर साउथी नहीं खेलते और मेरे हिसाब से यार ये डेथ में बॉलिंग करा सकता है अगर ये खेलता है तो, बाकी थोड़ा डाउट ही है। अब बात करें यहाँ पर पंजाब के अगेंस्ट इनके प्लेयर का परफॉर्मेंस, मैं आपको बोल रहा था गिल 7 मैच में 72 का एवरेज, यानी कि हर बार 72 रन बना के आउट होता है प्लेयर पंजाब के अगेंस्ट,
अय्यर पहली बार खेल रहे हैं और आपके त्रिपाठी 20 का एवरेज है, लेकिन त्रिपाठी का परफॉर्मेंस इस वक्त बहुत अच्छा है, जैसे कि मयंक अग्रवाल का, राणा 22 का एवरेज, ये भी ठीक है यार, इनका भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक चल रहा है अभी फिलहाल। मॉर्गन का देखिए 38 का एवरेज है इस टीम के अगेंस्ट, सिर्फ 9 मैच में 270 बना चुके हैं पंजाब के अगेंस्ट। डीके का भी देखिए 33 का एवरेज है, 25 मैच में 569, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर है इस टीम की तरफ से पंजाब के अगेंस्ट। बाकी रसल अच्छा खेलते हैं, 29 का एवरेज प्लस 14 विकेट सिर्फ 11 मैच में, तो रसल खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट है, नहीं खेलेंगे तो भाई फिर करना ही क्या है। नारायण का देखो 20 मैच में 30 विकेट प्लस 170 रन तो बोनस है, तो नारायण आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अगर पहले बॉलिंग कराती है बाद में बॉलिंग कराती है जैसे भी हो। फर्गुसन 2 मैच में 2 विकेट, आपके प्रसिद्ध कृष्णा 5 मैच में 8 विकेट, प्रसिद्ध कृष्णा भी अच्छा खेलते हैं इस टीम के आगे। वरुण चक्रवर्ती 3 मैच में 2 विकेट, साउदी 6 मैच में 7 मैच में 6 विकेट, तो ये है इन प्लेयर का पंजाब के अगेंस्ट परफॉर्मेंस। अब हम बात कर लेते हैं आगे रिसेंट फॉर्म पंजाब के अगेंस्ट और दुबई। तो गिल का रिसेंट फॉर्म ठीक है, कभी कभी बड़ी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे अपनी इनिंग्स को, लेकिन अच्छा कर रहे हैं, पिछले 5 मैचों में 3 बार 40 से 30 और 40 से ज्यादा बना चुके हैं। वेंकटेश अय्यर तो अच्छा कर ही रहे हैं, बैट से भी बॉल से भी हर तरीके से। उसका त्रिपाठी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, आप देखोगे एक भी इनिंग फ्लॉप नहीं दिखेगी आपको पूरे आईपीएल में लेके मई से अभी तक। और इस टीम के अगेंस्ट भी ये ठीक ठाक खेल लेते हैं त्रिपाठी, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप त्रिपाठी को ट्राई कर लेना। और इस ग्राउंड पर पिछली इनिंग 39 रन की इन्होंने खेली थी। अब राणा का देखिए, राणा भी अच्छा खेल रहे हैं, नो डाउट आउट नहीं हो रहा भाई किसी टीम के अगेंस्ट, लेकिन इस टीम के अगेंस्ट के लिए प्रॉब्लम क्या है, राणा की पिछली 2 इनिंग इस टीम के अगेंस्ट 0-0 की रही है। पिछले 3 मैचों में राणा सिर्फ 2 रन बना पाए हैं, और इस ग्राउंड पर भी राणा की आखिरी इनिंग जो थी वो 0 की रही थी, बट उसके पहले 87 बनाए थे। अब मॉर्गन का देखिए, मॉर्गन फ्लॉप एक ही चल रहा है, फ्लॉप, बट इस टीम के अगेंस्ट आते ही रन बनाते हैं, 47, 40, 24, 25, 27, 42, 47, और इस ग्राउंड पर भी पिछली इनिंग मॉर्गन ने 68 रन की खेली थी। तो मॉर्गन आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके यहाँ पर देके जा सकते हैं। बट डीके हैं, रसेल हैं और आपके नारायण हैं, नारायण का फॉर्म काफ़ी अच्छा है, 21 रन 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट हर मैच में विकेट निकाल रहे हैं, और इस टीम के अगेंस्ट भी विकेट निकाल ही लेते हैं, बट इस ग्राउंड पर पिछले 4 मैचों में नारायण को सिर्फ 1 विकेट मिला है। अब बॉलर्स का देखो, लॉकी फर्गुसन अच्छी फॉर्म में, लॉकी फर्गुसन ने इस टीम के अगेंस्ट भी 2 मैच में 2 विकेट निकाले। वरुण चक्रवर्ती 1 मैच में विकेट लेते हैं 1 में नहीं लेते हैं, तो पिछले मैच में नहीं लिए थे तो आज शायद विकेट ले सकते हैं, क्योंकि इनका यही चल रहा है, 1 में लेंगे 1 में नहीं लेंगे, 1 में लेंगे 1 में नहीं लेंगे। और इस टीम के अगेंस्ट पिछले 3 मैचों में 2 विकेट, और लेकिन इस ग्राउंड पर वरुण चक्रवर्ती काफ़ी अच्छा खेलते हैं, दुबई में 3 मैच खेले हर मैच में 2-2 विकेट। प्रसिद्ध कृष्णा ठीक ठाक फॉर्म चल रहा था, 1 मैच हराने की वजह से ये बाहर हो गए, और लेकिन ये पंजाब के अगेंस्ट विकेट सही निकाल लेते हैं, 1 मैच छोड़ करके दूसरे मैच में विकेट निकाल ही लेते हैं 2-3 विकेट। अब साउदी का देखो, पिछले मैच में खेले 1 विकेट मिला, और उसके पहले बांग्लादेश के अगेंस्ट अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहे थे, बट इस टीम के अगेंस्ट पिछले 2 मैचों में 0 विकेट, और इस ग्राउंड पर पिछले 4 मैचों में सिर्फ 1 विकेट मिला है, तो साउदी के बारे में सोच लेना। बाकी जो फाइनल डिसीजन होगा मेरा साउदी के लिए वो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। संदीप वॉरियर खेलने के चांस कम है, बट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं था। अब बात कर लेंगे आपके सेकंड गिवअवे क्वेश्चन के बारे में कि आज मैन ऑफ द मैच कौन बनेगा। 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, पहला क्वेश्चन राहुल के बारे में, सेकंड क्वेश्चन मैन ऑफ द मैच के बारे में। अब आपने करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ये हैशटैग यूज करते हुए अपने कमेंट सेक्शन में दोनों क्वेश्चंस के आंसर कर देने हैं, हैशटैग जरूर यूज करना है, और आपने एग्जैक्ट नंबर बताने हैं लोकेश राहुल कितना बनाएगा और कौन आउट करेगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ मैच के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं। जैसे मैं आपको बोल ही रहा था कि सुनील नारायण अच्छा खेलते पंजाब के अगेंस्ट, सुनील नारायण का जो कैरियर बेस्ट है वो इसी पंजाब की टीम के अगेंस्ट है, 5 विकेट लिए पंजाब के अगेंस्ट उन्होंने सिर्फ 19 रन दे करके, और इनका भाई बैटिंग भी काफ़ी अच्छा होता है, बैटिंग में भी ये अच्छा कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि 20 मैचों में 30 विकेट निकाल चुके हैं। और रसल के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए, पंजाब के अगेंस्ट रसल का कैरियर का जो स्ट्राइक रेट है वो 170 का है, बट इस टीम के अगेंस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं रसल, ये ध्यान रखना अगर रसल खेले तो। शुभमन गिल का एवरेज 72 का मैं आपको बता चुका हूँ, एआर मॉर्गन का भी काफ़ी अच्छा एवरेज है लगभग 45 का, और मोहम्मद शमी मस्ट कंसिस्टेंट बॉलर हैं फ्रॉम अगेंस्ट कोलकाता, मतलब पंजाब की तरफ से जो सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट खेलता है कोलकाता के अगेंस्ट बॉलिंग में वो है शमी, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। और इनका मैं आप बता दूँ, ही पिक्ड अप एटलीस्ट 1 विकेट इन लास्ट 6 मैचेस, यानी कि पिछले 6 मैचों में हर मैच में शमी को विकेट मिला है, चाहे भले ही 1 मिला हो, तो इस मैच में भी बहुत हाई चांस है कि शमी को विकेट मिलेंगे, तो आप शमी को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर आपको प्लेयर बैटल दिखा देता हूँ, प्लेयर बैटल में आपको त्रिपाठी, देखो त्रिपाठी नो डाउट बहुत अच्छी फॉर्म में, बट शमी से इनको थोड़ा चौकन्ने रहना होगा, 18 बॉल में सिर्फ 15 रन खर्च करें और 2 बार आउट कर चुके हैं शमी इनको, ठीक है ये चीज़ आप मत भूलना। और शमी उतना ही ज़्यादा परेशान करते हैं शुभमन गिल को,
शुभमन गिल एक तो आउट नहीं होते पंजाब के बॉलर से, लेकिन शामी 32 बॉल में सिर्फ 35 रन खर्च करके दो बार इनको भी आउट कर चुके हैं। अब इधर देखोगे आप, इधर आपको एक ही मिलेगा, वो है आपके नारायण वर्सेस गिल, नारायण वर्सेस अग्रवाल। नारायण अग्रवाल को 24 बॉल में 29 रन देकर के दो बार आउट कर चुके हैं। बाकी इधर आप देख रहे हो आपके रसल है, रसल पूरन को, रसल गैल को, रसल राहुल को, नारायण, मतलब ये हैं। बाकी मेरे हिसाब से ये तीन बैटल हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा तो लगभग सब वैसे ही हैं। अब बात कर लेते हैं टीम के बारे में। जो टीम मैंने इस मैच के लिए बनाई हुई है आप देख सकते हो, इसमें मैंने विकेट कीपर लोकेश राहुल को बनाया हुआ, वो मेरे कैप्टन भी होंगे आज। उस बाद शुभमन गिल और एडम मार्कर, राहुल त्रिपाठी, मयंक अग्रवाल को मैंने लिया हुआ है। अब यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, आप राहुल त्रिपाठी की जगह पर नीतीश राणा को ले सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो यहाँ पर निकोलस पूरन को भी ले सकते हो राहुल त्रिपाठी की जगह पर, क्योंकि निकोलस पूरन हार्ड हिटर बैट्समैन है और अच्छा खासा कर सकते हैं। अगर राहुल त्रिपाठी समी से बच जाते हैं तो अच्छा खेलेंगे, अदरवाइज समी ने इनको आउट कर दिया तो फिर कोई फायदा नहीं है। वेंकटेश अय्यर और सुनील नारायण मेरे दो ऑलराउंडर हैं, और वेंकटेश अय्यर को शायद मैं वाइस कैप्टन भी बनाऊंगा, शायद ये आज फिर से बॉलिंग कराते जिस तरह से लास्ट मैच में अच्छी बॉलिंग उन्होंने कराई थी। अर्शदीप, मोहम्मद सामी, लोकी फर्गुसन और वरुण चक्रवर्ती मेरे तीन बॉलर होंगे, चार। अब इसमें मैं चेंज कर सकता हूँ, देखो टॉस के हिसाब से टीम में चेंजेस होते हैं। अगर ये टीम पहले बॉलिंग कराती है, कौन सी टीम, पंजाब की टीम, तो फिर तो शायद मैं इसमें चेंज नहीं करूंगा बॉलिंग में, ठीक है, मैं अर्शदीप और सामी दोनों के साथ जाऊंगा। अगर ये टीम बाद में बॉलिंग कराती है तो मैं अर्शदीप की जगह पर रवि बिश्नोई को टीम में ट्राई कर सकता हूँ, जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सेकंड इनिंग में। अब यहाँ से अगर ये टीम पहले बॉलिंग कराती है तो मैं लॉकी फर्गुसन और इधर से वरुण चक्रवर्ती को ड्रॉप करके जो भी डेथ ओवर का दूसरा बॉलर होगा मैं उसको पिक कर लूंगा, अगर साउदी तो साउदी, अगर प्रसिद्ध कृष्णा तो प्रसिद्ध कृष्णा, या फिर मैं एक काम कर सकता हूँ नारायण, नारायण को ड्रॉप नहीं करूंगा भाई मैं, ठीक है। तो मैं तीन बॉलर अगर यहाँ पर लेना चाहूँ तो ले लूंगा, यानी इधर से आप ना तो अर्शदीप को ले रहे हो ना आप रवि बिश्नोई को ले रहे हो, आप तीन बॉलर यहाँ से पिक कर लो, आप वरुण चक्रवर्ती को ले लो, लॉकी फर्गुसन को ले लो, प्रसिद्ध कृष्णा को ले लो, ठीक है। अगर ये टीम पहले बॉलिंग कराए, कोलकाता की टीम अगर बाद में बॉलिंग कराती है तो फिर यही टीम है, इसमें मैं दो स्पिनर के साथ जाऊंगा, सुनील नारायण और चक्रवर्ती, और लॉकी फर्गुसन मेरे एकमात्र बॉलर होंगे, तो ये टीम है। बाकी इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें चेंज होनी है टॉस के बाद, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई जिसने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है आप जाओ टेलीग्राम ज्वाइन करो, क्योंकि जो हम करोड़ों की डेली विनिंग कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे कर रहे हैं, वहाँ मैं आपको फाइनल टीम देता हूँ, उसके बाद हम रोज़ाना विन कर रहे हैं। तो आप वीडियो खत्म हो गया, आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से सीधा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अगर लिंक से ज्वाइन ना हो तो आप सर्च करना टेलीग्राम पर @FCOofficial, आपको चैनल मिल जाएगा। और जिस भाई ने माइलेज सर्कल ऐप को इंस्टॉल करना है आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में माइलेज सर्कल ऐप का लिंक दिया हुआ है। धन्यवाद।